को गिरफ्तार कर लिया है। चलेगी अगर गिरफ्तार किया जाता और बड़ी है, खबर आई चलेगी इस वक्त की ये बड़ी खबर आतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ठीक 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, उसके बाद 1 घंटे बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है और अब जब 9:15 होने वाले हैं उस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कि ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और यह दावा किसी और ने नहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कर रही है, क्योंकि इस तरह की आशंका अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि आज ईडी की टीम एक बड़े एक्शन के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। तो कह सकते हैं दिल्ली शराब नीति में पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय सिंह गिरफ्तार हुए और अगला जो नंबर था अरविंद केजरीवाल का, क्या अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक ये दावा है, ऑफिशियल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर गिरफ्तार हुए तो ये दिल्ली की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा खुद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से किया गया है मीडिया से बात करते हुए, क्योंकि शाम को 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच गई थी, तब से ही वहां पर अंदर है। तमाम उनके जो गैजेट्स हैं सीएम आवास पर जो थे, चाहे वो उनका मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, वो ईडी ने जाते ही अपनी कस्टडी में ले लिया था, जब्त कर लिया था और किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट सीएम से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचना शुरू हुए। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज को बाहर ही रोक दिया गया, अंदर एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद आतिशी और तमाम दूसरे नेता वहां पर पहुंचे, चाहे वो मंत्री हो, यहां तक कि विधानसभा स्पीकर भी वहां पर पहुंचे। और सबसे पहला बयान विधानसभा स्पीकर की तरफ से उस वक्त में आया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे और सरकार जेल से चलेगी। और मकसूद ये, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की पहले से पूरी तैयारी की थी, लगातार एक के बाद एक समन भेजे जा रहे थे पूछताछ के लिए, बिल्कुल 9 समन भेजे गए, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। कोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही हाईकोर्ट मामला पहुंचा, हाईकोर्ट से जब आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, तो ईडी की टीम ने आज तुरंत कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, यह बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी? आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है कि ते कोई क्राइम थोड़ी कीता, छड़ जो नाल चल रहे थोड़े चार लोग घटते नहीं हो सकते। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले आप विधानसभा स्पीकर को सुन रहे थे, उनके तरफ से कहा गया जानकारी सामने, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचे थे, ये दरअसल दिल्ली पुलिस का ये एक्शन आप देख सकते हैं, वहां से हटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो चूंकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है सीएम आवास के आसपास, तो 100 से लेकर 200 मीटर के आसपास का जो पूरा इलाका है अब उसे पूरी तरह से खाली किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही खबर आई ईडी की टीम के वहां पर पहुंचने की, लगातार तमाम बड़े नेताओं से लेकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो केजरीवाल के समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचना, वो जुटना वहां पर शुरू हो गए थे, और यही वजह है कि लंबा जाम वहां पर सड़क पर लगा हुआ है। और चूंकि अब अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो जाहिर है ईडी की टीम उन्हें लेकर यहां से निकलेगी, ईडी के दफ्तर ले जाएगी। अब अगली तो फिर वो पूरा रास्ता भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो तस्वीर है वो आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर होगी, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके वहां से ले जाएगी। बाहर एक राजनीतिक मैसेज, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से पहले से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आज ईडी की टीम पूरी तैयारी करके आई है,
हाई कोर्ट से जैसे ही सिग्नल मिला ईडी की टीम को, आज ठीक शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। उसके बाद वो वहां पे जो घटनाक्रम हुआ एक के बाद वो सबने देखा है, किस तरह से हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचे, राजनीतिक प्रतिक्रियां वहां पर आ रही थी। लेकिन राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई में यहां कह सकते हैं कि ईडी की टीम ने अपना एक्शन लेते हुए, पूरी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जो बड़े सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं तो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? लेकिन रवि, इसका इस सवाल का जवाब तो खुद चाहे वो विधानसभा के स्पीकर हो या फिर मंत्री हो, आतिशी, वो साफ उन्होंने कह दिया है कि सरकार जेल से ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये साफ उनके तरफ से यहां पर कहा गया। लेकिन रवि, ये देखने वाली बात होगी, आपको याद होगा 2010 का वो अन्ना आंदोलन, जब तीन बड़े चेहरे वहां पर नजर आते थे। चेहरे तो बहुत से थे, लेकिन वो तीन बड़े चेहरे जो कि आगे आम आदमी पार्टी को जिन्होंने बनाया और सरकार में उनकी हिस्सेदारी रही, जो शामिल रहे, एक अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया, एक संजय सिंह। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है और जो तीसरा बड़ा चेहरा है, कहें कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, वो भी अगर उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहां पर खबरें आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर। और इसी का अंदेशा दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी लगा रही थी और वो इसको लेकर सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर हमलावर थी कि लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल ये चाहते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं, अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन के बाद कहां से आम आदमी पार्टी का एक निर्माण होता है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बार नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दो दो बार वो बनते हैं और इस बार प्रचंड बहुमत मिला हुआ था। लेकिन एक कह सकते हैं घटनाक्रम दिल्ली शराब नीति का, उसने आज आम आदमी पार्टी की ये क्या तस्वीरें आज दिखाई हैं। मनीष सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह गिरफ्तार हैं। अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही ईडी की टीम उनको निकलेगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अब दिल्ली की सियासत, लोकसभा चुनाव 2024, इस गिरफ्तारी का, इन तस्वीरों का क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए आज से एक कह सकते हैं एक नई दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं है, संजय सिंह नहीं है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे लीड करेगी, कैसे चेहरा होगा, किन मुद्दों पे अब आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी और सरकार की मंत्री तो साफ ये कर चुकी है कि जेल से ही सरकार चलेगी। पार्टी भी क्या जेल से ही चलेगी और आगे किस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़े। लेकिन चूंकि आप जिक्र कर रहे थे लोकसभा चुनावों से पहले इस बड़ी खबर को लेकर, तो देखें उसकी प्रतिक्रियाएं आप देखिए। लगातार जो विपक्ष की बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव जो है प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट कर दिया गया है और उन्होंने इसको लेकर, इस एक्शन को लेकर सवाल उठाया। लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर आपके सामने लगातार न्यूज 24 पर। आप एक तरफ तस्वीरें देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की भी भारी सुरक्षा बल वहां पर लगा हुआ है सीमावास के बाहर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार सड़कों पर बैठे हुए, नारेबाजी वहां पर हो रही है। हालांकि बीच में कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, दिल्ली पुलिस वहां से हटाने की इन कार्यकर्ताओं, इन समर्थकों को कोशिश भी कर रही है, क्योंकि सड़क पर बैठकर ये वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रैफिक को भी क्लियर रखना है और